20वीं सदी के इस बड़े बॉलीवुड फिल्म निर्माता को आज के दिन मिली थी बड़ी उपलब्धि। बॉलीवुड जगत से जुड़ा आज का दिन बेहद यादगार है। सत्यजीत 20वीं शताब्दी का एक ऐसा नाम जिसने अपनी यादगार फिल्मों के निर्देशक से लोगों के दिल में छाप छोड़ दी। साथ ही आज के दिन यानी कि 15 दिसंबर साल 1991 में उन्हें उनकी बड़ी उपलब्धियों के लिए स्पेशल ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सत्यजीत रे ने 36 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें से फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और लघु फिल्में शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हुनर के लाजवाब तालमेल के साथ वो एक काल्पनिक कहानी लेखक, प्रकाशक, चित्रकार, सुलेखक, संगीत कंपोजर, ग्राफिक डिजाइनर भी थे। सत्यजीत रे अपनी फिल्मों के लिए खुद ही स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग, स्कोरिंग, एडिटिंग और यहाँ तक डिजाइनिंग भी करते थे। अपनी मेहनत और बलबूते के जरिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड और एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1992 में ही उन्हें भारत सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे का जन्म कलकत्ता में हुआ था। 3 साल की उम्र में ही सत्यजीत रे के पिता का निधन हो गया था और शुरू में उनके परिवार की कमाई बहुत कम होती थी। साल 1996 में उन्हें एंटरटेनमेंट वीकली मैगजीन में 100 ग्रेटेस्ट फिल्म डायरेक्टर एवर की लिस्ट में शामिल किया गया। वहीं साल 1992 में ही उन्हें दुनिया के टॉप 10 डायरेक्टर की सूची में 7वें पायदान पर रखा गया। साल 2002 में सभी फेमस डायरेक्टर की लिस्ट में उन्हें 22वें पायदान पर रखा। जानकारी के लिए बता दें कि उस समय सत्यजीत एशिया के चौथे और सबसे बड़े डायरेक्टर थे।